18 conjunctions. Okay students, conjunctions को हम लोग एक small definition में याद करेंगे. What are conjunctions? Conjunctions means joining words. Okay, group of words को join करने वाला जो word है, दो sentences को join करने वाला जो word है, उसे हम लोग conjunction बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Conjunction, joining word. Okay. तो आज हम लोग उसी के ऊपर देखेंगे. व्हाट इज कंजक्शन. कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक तो वर्ड्स को ज्वाइन करता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है, या तो फिर सेंटेंस को ज्वाइन करता है. ओके अगर मैं दो सेंटेंस लिखती हूँ, आई लाइक रेड कलर, आई लाइक ऑरेंज कलर. अब ये दोनों भी सेंटेंस को अगर आपको जोड़ना है तो आप कैसे बोलोगे? I like red and orange color. बराबर ना? Yes. क्यों? तो दोनों भी similar है. दोनों भी ideas जो है वो similar है. आप बार बार एक ही चीज के बारे में, जैसे कि I like banana, फिर बोलोगे I like apple, I like चीकू, इस तरह बोलोगे क्या? नहीं. अब ये सब क्या है? Source है. बराबर ना? Similar ideas को जब हमने join करना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? I like banana and apple, है ना? तो जो सिमिलर आइडियाज के लिए हम लोग यूज करते हैं and और but, ये दोनों भी क्या है? कंजक्शंस. and और but. तो and का आपको समझ में आ गया बच्चों? and मतलब और है ना? तो दो चीजों जो सिमिलर आइडियाज के लिए ज्वाइन करना है तो हम लोग and and का यूज करते हैं. रेड एंड ऑरेंज आर माई फेवरेट कलर्स. दोनों भी सिमिलर आइडियाज है, बट का इसका ऑपोजिट है. ऑपोजिट आइडियाज को हम लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे कि शी इज अ गुड डांसर, रीना इज अ गुड एक्टर. ओके, अब डांसर और एक्टर ये दोनों भी ऑपोजिट आइडियाज है, तो हम लोग इसके लिए क्या बोलेंगे? शीला इज अ गुड डांसर बट रीना इज अ गुड एक्टर. तो हमने क्या यूज किया? बट. मगर जैसे बोलते हैं ना, ये ऐसे है पर वो वैसे है, तो पर मतलब बी यू टी बट. समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम लोग ये सेंटेंसेस और अच्छे से देखेंगे अपने एक्सरसाइज में. वी विल सी द एक्सरसाइज इन अवर टेक्स्ट बुक कंजक्शंस. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट आर द कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड्स एंड और बट. व्हेन वी आर यूजिंग सिमिलर आइडियाज, when they are joined we use and and. और जब हम लोग opposite ideas को join कर रहे हैं तो हम लोग उसको but use करते हैं. देखो बच्चों, यहाँ पर sentence दिया है राम is a student, श्याम is a student. तो student है दोनों भी, ठीक है? तो similar ideas है, तो राम and श्याम are students. यहाँ पर क्या है? mother likes coffee and father likes milk. तो दोनों भी अलग अलग है, ऑपोजिट है ना इनकी चॉइस. तो हम कैसे लिखेंगे? मदर लाइक्स कॉफी बट फादर लाइक्स मिल्क, है ना? जब हम लोग ऑपोजिट आइडियाज ज्वाइन करके लिख रहे हैं हम लोग बट यूज कर रहे हैं, है ना? कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट. एंड और बट यूज करके हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है. आई रीड अ स्टोरी बुक डैश पेंटेड अ पिक्चर ऑन सैटरडे. एंड पेंटेड मतलब मैंने स्टोरी बुक पढ़ी और पेंटिंग की पिक्चर को सैटरडे को, है ना? कैट्स लाइक फिश बट डॉग्स लाइक मीट. कैट्स को क्या पसंद है? फिश. पर डॉग्स को मीट पसंद है. तो ये ऑपोजिट आइडियाज हो गए, इसलिए हमने यहाँ पर बी यू टी बट यूज किया. I can sing, but I can't dance. मैं गा सकता हूँ पर मैं डांस नहीं कर सकता, है ना? Tigers and lions are wild animals. अब tiger और lion ये दोनों भी क्या है? Wild animals है. तो इसलिए हमने यहाँ पर similar ideas के लिए and and use किया है. Ranjan bought ice cream and fruit. जूस मतलब आइसक्रीम और फ्रूट जूस, ये दोनों भी सिमिलर आइडियाज है, दोनों भी फूड्स है, खाने की चीजें हैं.
तो हमने यहां पर क्या यूज किया है, ए एन टी एंड। ओके, और भी एक है ओ आर और, ये भी एक कंजक्शन है। तो जब हम लोग कोई भी वर्ड्स को ज्वाइन करने, सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, आइडियाज और सेंटेंसेस दैट ऑफर अ चॉइस, मतलब हम लोग ये चाहिए या वो चाहिए, ऐसे हम लोग जब चॉइस पूछते हैं तो हम लोग ओ आर और यूज करते हैं। फादर कैन हैव टी, फादर कैन हैव कॉफी, मतलब एक तो वो टी भी पी सकते हैं या तो फिर कॉफी, या तो फिर ऐसे जब कहीं गुंजाइश होती है, चॉइस की गुंजाइश होती है, तो हम लोग ओ आर और यूज करते हैं। फादर कैन हैव टी और कॉफी, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब ये दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज, तब हम लोग ओ आर और का यूज करते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 100 पर देखेंगे। अंडरलाइन द कंजक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो ईच सेंटेंस इज करेक्ट एंड अ क्रॉस इफ इट इज फॉल्स। माई ब्रदर एंड सिस्टर ड्रिंक्स ऑरेंज जूस एवरी मॉर्निंग। अब ये देखो, दोनों की भी, ब्रदर और सिस्टर दोनों भी क्या पीते हैं, ऑरेंज जूस, है ना, तो यहाँ पर उन्होंने एंड का यूज किया है। इट्स जॉइंट्स ऑपोजिट आइडियाज है क्या, नहीं, ये तो सिमिलर है, तो ये राइट है, तो उन्होंने हमें इसके लिए नहीं बोलना है, इसके लिए हमें क्रॉस करना है यहाँ पर, ठीक है। राधा एंड प्रीता कैन सिंग वेल, ओके, इट जॉइंट सिमिलर आइडियाज, यस राइट, ये सिमिलर आइडियाज है, एंड यस। माय मदर कुक्स बट माय फादर डज नॉट, इट गिव्स अ चॉइस, अब यहां पर कोई चॉइस है क्या, और नो, तो हमें इसको गलत बोलना है ना। माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर ओल्ड, अब ये देखो दोनों भी सिमिलर आइडियाज है, ओल्ड, ये सिमिलर आइडियाज है ना दोनों की भी, तो यहां पर हमने एंड यूज किया है, तो उन्होंने क्या बोला है, इट ज्वाइन सिमिलर आइडियाज, यस सिमिलर आइडियाज ही ज्वाइंट हो रहे हैं। यू कैन बाय द ब्लू शर्ट और द रेड शर्ट, आप ब्लू नहीं तो रेड शर्ट, किसी भी एक शर्ट को आप बाय कर सकते हो, तो यहां पर उन्होंने चॉइस दी है, तो वो क्या है, और यूज किया है, और ये लोग बोल रहे हैं कि ऑपोजिट आइडियाज है, तो ये तो गलत है ना, यहां पर उन्होंने चॉइस वाला अगर बोला होता तो वो सही होता, ये हमें और क्या देता है, चॉइस के बारे में देता है। माय अंकल गोज टू वर्क बट माय aunt डज नॉट, इट गिव्स अ चॉइस ऑफ आइडियाज, अब यहां पर बट बोला हुआ है, बट हम कब यूज करते हैं, अपोजिट आइडियाज के लिए, चॉइस के लिए ओ आर और यूज होता है। इट इज कोल्ड इन डिसेंबर बट हॉट इन मे, तो ये ऑपोजिट आइडियाज है, कोल्ड और हॉट ऑपोजिट आइडियाज है, तो आप इसको राइट करना है। वी कैन गो फॉर अ वॉक और स्टे एट होम, हम लोग एक तो वॉक पर जा सकते हैं या तो फिर घर पर रह सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ओ आर और यूज किया है, तो चॉइस बताई गई ना आइडियाज में, तो ये गलत नहीं है, सही है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया बच्चों आपको। अब पेज नंबर 101 पर देखिए, आप लोग फन टास्क दिया हुआ है, आप ये खुद कर सकते हो। देयर आर सम वर्ड्स दैट गो इन पेयर्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको सही वर्ड यहाँ पर जो इसके साथ में जाता है वो लिखना है। अ बैट एंड अ बॉल, कैट्स एंड डॉग्स, आईज एंड ईयर्स, अप एंड डाउन, द अर्थ एंड द स्काई, ब्रेड एंड बटर, अ कप एंड अ सॉसर, ब्लैक एंड व्हाइट, hot and cold, the sun and the moon, in and out, sheep and goats, rich and poor, east and west, है ना, इस तरह आपको ये एक्सरसाइज भी पूरी कर लेनी है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कंजक्शंस क्या होते हैं, यस एंड बट और ये तीनों भी क्या है, कंजक्शंस। आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग और इंग्लिश स्पीकिंग पर आपको बहुत भर देना है और स्पीकिंग इंग्लिश में ही करना है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज यू विल मेक मैनी मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग। ओके स्टूडेंट्स,